औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीवर्स, एक बहुत बड़ी खुशी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला की रहमत और आप लोगों की वजह से जो है वो मुमकिन हुई है। खुशी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चैनल है वो 17 नवम्बर को मोनोटाइज हो गया था, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है। तो आज की मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ख़ास पर्पस है, और वो ये है कि मेरे चैनल पर जितने ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि उनका अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास है। अगरचे मैं व्लॉगिंग पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा ये आज का व्लॉग भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदे की बात है इसमें। वो ये है कि अगर आप लोग या जिनका चैनल है या मतलब कि कोई भी मेरा देखने वाला व्यूवर जो है वो चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चैनल है वो 4 महीनों में मोनोटाइज्ड हुआ है, यानी मैंने अपना वॉच टाइम जो है वो 4 महीनों में कम्प्लीट कर लिया है। ये वॉच टाइम कैसे कम्प्लीट हुआ है ये मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें मतलब मेरा जो तजर्बा रहा है, मैंने क्या कुछ किया है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यार, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो। तो मसला यह है कि 4 महीने पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था प्रॉपर व्लॉगिंग पर। इससे पहले मेरी वीडियोस थी जो कि तकरीबन 1 साल पहले से अपलोड थी। आपको पता है, जो वीडियो आप 1 साल पहले अपलोड करते हैं या जो 1 साल पहले आपके सब्सक्राइबर होते हैं वो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इस दौरान मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, यानी 1 साल के दौरान। तो मेरी जो सब्सक्राइबर थे पहले के वो बिल्कुल इनएक्टिव थे, यानी उनका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो 4 महीने पहले मैंने सोचा कि व्लॉगिंग पे वीडियोस बनाता हूँ। 4 महीने पहले मैंने पहली अपनी वीडियो अपलोड की थी, इंडस रिवर वाली, जिसमें हम दरियाए सिंध पर ट्रैवल करते हैं, तो वो मेरा पहला व्लॉग था। उसके बाद मैंने तकरीबन 28 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए हैं, लेकिन उनमें एक वीडियो ऐसी थी जिसका मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो वायरल हुई है, यानी रिकमेंडेड वीडियोस में आई है, तो इस तरीके से जो है वो वायरल हो गया। वो वीडियो कौन सी थी? वो वीडियो थी तुरगत अल्प स्टेप्स वाली, यानी कि तुरगत अल्प के जो स्टेप्स हैं, छोटा भाई महबूब खान पिताफी उसमें स्टेप्स करते हैं। तो उसके अपने चैनल पर भी ये वीडियो मौजूद है। एक 26 सेकंड का क्लिप है, एक 20 सेकंड का क्लिप है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस होने की वजह से वो मोनोटाइज तो नहीं हो सकेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में हैं। मैंने उनके चैनल का लिंक भी अपनी हर वीडियो में दिया होता है, आप जाकर उसको लाजमी सपोर्ट किया करें, उनकी वीडियोज़ को देखा करें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं। मैं अपने चैनल पर उनकी बाकी वीडियोज़ इसलिए अपलोड नहीं करता क्योंकि मेरा ये जो है वो कंटेंट नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपने कंटेंट पर ही रहूं। तो अब मैं शेयर करता हूं कि ये वीडियो वायरल कैसे हुई। मैं पढ़ रहा था यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियो कब वायरल करता है या कब रिकमेंडेड वीडियोस में आते हैं, तो वो ये था कि जब आपकी वीडियोस पर जो है वो ऑडियंस इंगेज्ड हो, यानी ऑडियंस आपकी वीडियो को देखना चाहते हों, तब जो है वो यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को जो है वो रिकमेंड करता है। तो उस वीडियो को जो है वो ऑडियंस ने देखा है, क्यों देखा है, मतलब उसमें अच्छी वीडियो थी, अच्छा मवाद था, तो उसको जो है वो ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, पूरी वीडियोस देखी है। इसके अलावा जो मेरी बाकी वीडियोस हैं उन पे अगर मैं बात करूं, तो उन पे तकरीबन मतलब 10 मिनट की भी वीडियो है तो एवरेज टाइम जो है वो उस वीडियो से वो है वहाँ 1 मिनट और 59 सेकेंड की तकरीबन, बाकी उस वीडियो के मुकाबले में एवरेज टाइम जो है वो 10 मिनट की वीडियो पर भी कम है, जिसकी वजह से बाकी मेरी वीडियोस जो है वो वायरल नहीं हो रही। उस पे ऑडियंस इंगेज थे, पूरी वीडियो देख रहे थे, तो उस पर वो जो है वायरल हो गई थी और 2 लाख से प्लस उस पर व्यूज़ आए हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोनोटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, तो एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो चैनल मोनोटाइज्ड हो गया हुआ है। लेकिन ये वीडियो रिकमेंडेड में कैसे आई, आखिर इसमें क्या कुछ मैंने किया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मेरे चैनल पर जो है ऐसे हैं जिनके अपने चैनल हैं, या आप लोग अगर चैनल बनाना चाहते हैं तो इससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने अपने
जो है वो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा टैग्स लगाए थे अर्तगुल गाजी ड्रामे के, क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटेड थी, ठीक है, यानी कीवर्ड्स लगाए थे, टाइटल भी था, उसके अलावा टैग्स भी लगाए थे। तो कोई भी जो कोई सर्च करता मेरी, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो मेरा सारा का सारा ट्रैफिक यानी तुर्गुत फ़ाइट, अर्तगुल फ़ाइट, नोयान फ़ाइट, इस तरीके से जो है वो आया है। अभी जो है मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ कि ये कैसे ये ट्रैफिक आया है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक अगर आप चेक करें तो मेरी वीडियो आप जो है उस पर कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो सर्च ट्रैफिक सोर्स भी कम हो जाएगा। तो इस पर आप देख सकते हैं कि मतलब तकरीबन ये सारे वही वीडियो सर्च हुई है, मेरा कोई वीडियो सर्च नहीं हुआ इसमें, यानी अभी इस पर कम सर्च हुई है क्योंकि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं अब। पहले तो इस पर एक दिन में 30,000 तक व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ हुआ है, यानी मेरी वीडियो सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोगों ने देखी और पूरी पूरी देखी। दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियो सर्च में आ रही थी, यानी जल्दी सर्च हो रही थी, मैंने जो कीवर्ड्स और टैग्स लगाए थे। अब जो है लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। मैंने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प के लिए बनाया, क्योंकि उसमें से 50% मैं जो है वो नीडी लोगों की हेल्प करूँगा, कम से कम 50%। हो सकता है बाहर से भी लोग हेल्प करें जो साहिब इस्तेआत होंगे, जो मेरे वीडियो देखने वाले होंगे। यकीन करें, इस दौरान मतलब जब मैंने चैनल बनाया तो काफ़ी दोस्तों ने भी ऐसे कहा है कि यार आप वीडियो ना बनाओ, आप ये गलती करते हो, ये करते हो, कम्युनिकेशन के लिहाज से भी कहा है। तो सॉरी, मैं सोचता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैं इससे जो है वो पीछे नहीं हटा और ना ही मैं इस मकसद से पीछे हटूँगा। मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहूँगा और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आप जैसे लोगों ने सपोर्ट भी की है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ये इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, जितना हो सकता है मेरे साथ सपोर्ट करनी है। आपके वीडियोस देखने की वजह से मैं सोचता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाएगी। तो अब यकीन करें, मैं इमेजिन भी ऐसे ही करता हूँ, जब मैं किसी को देखता हूँ गरीब को तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनकी कैसे हेल्प करूँगा। अब मेरी यानी मैं सोचता हूँ कि मेरी अर्निंग होगी, मैं इनकी मदद करूँगा, मेरी इमेजिनेशंस ही ऐसे बन चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ और मैं पुर उम्मीद भी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में लाजमी कामयाब करेंगे, जिसका पहला जो है वो समर मुझे मिल चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, फाबियाला रबी तुम रबी कुमातु कज़िबान। तो आजकल जो मौसम है वो सर्दियों का है, तो इस हवाले से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं सोचता हूँ कि जिन पर बन सकती हैं। तो मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। और अगर आप चाहें, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।